नमस्कार दोस्तों, यशस्वी एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिनकॉन फॉर्मुलेशंस इंडिया लिमिटेड। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, सिनकॉन फॉर्मुलेशंस इंडिया लिमिटेड ये BSE लिस्टेड कंपनी है दोस्तों। और जो लोग हमारे चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि ये स्टॉक, ये पेनी स्टॉक को हमने आपको 1.9 रुपीज़ के नीचे आपको बताया था और इसका प्रेजेंटेशंस भी दिया था। ये जो वीडियो है आपके सामने प्रस्तुत है, जिन्होंने भी इस वीडियो को फॉलो किया है उनको पता है यहाँ पे इस कंपनी का कंप्लीट फंडामेंटल्स और टेक्निकल दोनों हमने बताया था, टेक्नो फंडा एनालिसिस। और इस वीडियो के व्यूज़ जो आप देख रहे हैं 5000 के आसपास थे। जो भी लोग हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं उनको डेफिनेटली बेनिफिट हो रहा होगा दोस्तों। इसका पूरा अप टू डेट अपडेट भी हमने आपको साथ टाइम टू टाइम दिया है और उन वीडियोस को आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। आज के डेट में आप देखेंगे तो सिनकॉन फॉर्मुलेशंस का स्टॉक देखिए, पिछले 5 दिनों में ही 65% का राइज दिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन, काफ़ी लोगों को क्वेश्चन आ रहा है क्या करना है। तो दोस्तों, आप पेनी स्टॉक लेके बैठे हैं तो पेनी स्टॉक में आपको क्या करना है, आप जो अपना मनी इन्वेस्टमेंट किया है उसको एक पर्टिकुलर लेवल में, अभी ये काफ़ी ज़्यादा राइज हो चुका है, मल्टीपल टाइम्स हो चुका है। जैसा आपने दो रुपये में ले लिया तो सिक्स टाइम्स प्लस हो गया, ये तो यहाँ पर 6 टाइम्स हो गया। तो आप अपना एटलीस्ट आपने जो अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसको आप बुक कर लीजिए और राइड होने दो अपने कैपिटल को। इस टाइप से फॉलो करना है। कंपनी स्ट्रांग है, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, टेक्निकली अच्छा रुझान है और इसलिए आपको यहाँ पे कोई चिंता करने की बात नहीं है। जब आपको लगता है प्रॉफिट बुक करना चाहिए वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं दोस्तों। जैसा सिनकॉन फॉर्मुलेशंस अभी 2 रुपये से 12 रुपये हो गया दोस्तों, 2 रुपये के भी नीचे था जैसा हमने वीडियो बनाया था, आपको दिखा भी दिया, तो अभी 12 रुपये बन गया। तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप नए इन्वेस्टर्स यहाँ पे ऐड होंगे दोस्तों। इसका रीज़न क्या है मैं वो आपको समझाऊँगा। टेक्निकल, पूरा टेक्निकल चार्ट में चलते हैं तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये डेली चार्ट है आपके सामने। फर्स्ट ये वाला रेंज था, यहाँ पे आपको रेंज दिखा देता हूँ। इस रेंज को ये ब्रेकआउट करके निकला है, ये देख सकते, ये रेंज था, इस रेंज को तोड़ के निकला। उसके बाद एक और रेंज बना दिया, इस रेंज में ट्रेड किया, उसको तोड़ के निकला। उसके बाद कंटिन्यू यहाँ से रैली दिया है, देख सकते ये यहाँ से कंटिन्यू रैली दिया, उसके बाद करेक्शन हुआ, उसके बाद रैली, डबल टॉप बना के एक बॉटम बना लिया और बॉटम बनाने के बाद वापस से यहाँ पे हायर हाइज का सिलसिला बनाया और यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बना के एक ब्रेकआउट दिया। और ब्रेकआउट के बाद ये देख सकते हैं ज़बरदस्त तेज़ी इसमें बनी हुई है अभी दोस्तों। तो ये इस टाइप से आपको, अगर आपका स्टॉक में कन्विक्शन है तो उसको आप होल्ड कर सकते हैं दोस्तों, और कन्विक्शन नहीं है तो आप होल्ड नहीं कर सकते। और पैसा जब बनता है आप जब उसको कन्विक्शन के साथ होल्ड करते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए क्या पॉजिटिव था, ये डेट फ्री कंपनी थी, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी, और कंपनी के पास जो बिजनेस है कंपनी का राइज हो रहा है कंटिन्यूस, इसलिए आपको कंपनी का बिजनेस के ऊपर नहीं थी दोस्तों। तो ऐसे बिजनेसेस को ऑलवेज आपको देखना चाहिए जहाँ पे आपको राइज मिलेगा। ऐसे कई स्टॉक्स हमने आपके साथ शेयर किए दोस्तों, तो उसमें से ये सिनकॉन फॉर्मुलेशंस आज मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ और यहाँ पे जो सेटअप है उसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये आपके सामने दोस्तों वीकली चार्ट है। अब ये वीकली चार्ट में आप देखेंगे तो ये एक जोन था जहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस उसके ऊपर ब्रेक करके गया था, वापस उस जोन को ब्रेक किया है। ये वीकली चार्ट में स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है और इसका मंथली चार्ट में आपको अभी दिखाऊँगा दोस्तों। तो मंथली चार्ट देखेंगे तो आपको ये इसके ये मेजर रेजिस्टेंस जोन था जो कि आप देख रहे हैं 10 रुपये के आसपास का मेजर रेजिस्टेंस जोन था। इसको अभी ये मंथली चार्ट ने ब्रेकआउट किया। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एक बार इसने 14.60 का हाई बनाया है दोस्तों, लेकिन वहाँ पे टिका नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रांग पॉजिटिव कैंडल बना हुआ है मंथली चार्ट पे और ये कैंडल इसके ऊपर सस्टेंड होता है 10 रुपये के ऊपर, तो डेफिनेटली ये प्रीवियस हाई 14.40 को ब्रेक करके और ऊपर का लेवल देख सकता है। तो इसको आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए अभी अपने प्रॉफिट्स को राइड करना पड़ेगा दोस्तों। ट्राइडेंट को हम लोग 3 रुपये 15 पैसे से डिस्कस किया था,
और आज के दिन वो 35 प्लस हो गया है। आलोक इंडस्ट्रीज हमने 3 रुपये के नीचे से डिस्कस किया था, 60 गया, वापस करेक्शन हो गया और अभी कंसोलिडेट कर रहा है, एक बार फिर वापस मूवमेंट आ जाएगा। जेपी पावर हमने डिस्कस किया था, कई सारे ऐसे स्टॉक्स आपके साथ शेयर किए, कई पिनी स्टॉक्स और कई अच्छी फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनीज के भी प्रेजेंटेशन हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको रेगुलर फॉलोअप चाहिए, रेगुलर अपडेट चाहिए, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे स्टॉक्स प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों ये जो भी अपडेट हम दे रहे हैं वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, हमारा कोई बाइंग का रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जाके आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको एंजल वन में फ्री डीमैट अकाउंट ओपन ऑफर चल रहा है, 5 पैसा में फ्री डीमैट अकाउंट ऑफर चल रहा है और अपस्टॉक्स में भी फ्री डीमैट अकाउंट ओपन चल रहा है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।